जल शक्ति अभियान के अंतर्गत सोन कच्छ में किसान मेले का आयोजन हुआ। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पूर्व की बीजेपी सरकार पर कृषि यंत्रों में घोटाले करने का आरोप लगाया, तो मंच पर मौजूद देवास के सांसद महेंद्र सोलंकी ने मंत्री वर्मा को कहा कि आप राजनीति कर रहे हैं, ऐसे मंच पर राजनीति नहीं होती है, और ये कहते हुए बीच कार्यक्रम में मंच को छोड़कर चले गए। मंत्री वर्मा ने कहा कि सांसद को सच और कड़वा सुनने का साहस ही नहीं है, इसलिए वो चले गए। सोनकच नगर की कृषि उपज मंडी परिसर में जल शक्ति अभियान अंतर्गत किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और देवास सांसद महेंद्र सोलंकी की अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम में कलेक्टर एसपी सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। कार्यक्रम में सांसद महेंद्र सोलंकी ने कहा कि जल शक्ति योजना नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इस योजना को लागू कर यूपीए सरकार के कार्यालय में मनमोहन सिंह जी एवं सोनिया गांधी के किसानों के हित में ये योजना शुरू की गई थी, और अंत के भाषण में उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि बीजेपी की सरकार जिस तरह किसानों से मिलने वाले किसान संयंत्रों के घोटाला हुआ है, अब इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए। इसी बात को लेकर सांसद मंत्री वर्मा पर नाराज हो गए और कहने लगे कि आप राजनीति कर रहे हैं, सरकार के कार्यक्रम में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, और कार्यक्रम के बीच में छोड़कर चले गए। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सांसद महेंद्र सोलंकी ने कहा कि शासन का कार्यक्रम था, मैं पोर्टल के हिसाब से इस कार्यक्रम में आया था। जिस तरह मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इस कार्यक्रम को कांग्रेस का कार्यक्रम बना दिया और बीजेपी पर पार्टी पर निराधार आरोप लगा रहे हैं, जो गलत है। इस तरह के कार्यक्रम में गरिमा बनाए रखना चाहिए। मंत्री वर्मा को सरकार के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल मेंटेन करना चाहिए, किस तरह भाषण देना है। मंत्री वर्मा को यह भी नहीं पता है कि यह कांग्रेस बीजेपी का कार्यक्रम नहीं सरकार का कार्यक्रम है, इसलिए मैं यहां आया हूं। लेकिन मंत्री वर्मा ये सब भूल गए और हमारी पार्टी पर निराधार आरोप लगाने लगे, इसलिए कार्यक्रम को बीच में छोड़कर मैं जा रहा हूं। मंत्री वर्मा कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि चोर की धाड़ी में तिनका, उनको कड़वा सुनने की आदत रखनी चाहिए। बीजेपी सरकार में इतना बड़ा कृषि यंत्र पाइपों का घोटाला हुआ है, किसी से छुपा नहीं है। किस नेता ने यह घोटाला किया है? तुम्हारे अकाउंट ने यह घोटाला किया है। तुम कान में तेल डालकर सोते रहो, पर हमने कान में तेल डालकर नहीं सोते हैं, हम जागृत आंखों से जमाने पर नजर रखते हैं, भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। बीजेपी के राज में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, जिसकी जांच चल रही है। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि पिछली सरकार में जो हुआ है हमारी सरकार में मत करना, किसानों को हक मिलना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब चोर की दाढ़ी में तिनका रहता है, मैं क्या बोलूं, कड़वा सुनने की आदत हमको भी है, उनको भी रखना चाहिए। भाजपा की सरकार में इतना बड़ा स्प्रिंकलर घोटाला हुआ है, पाइपों का घोटाला हुआ है, किसी से छुपा है क्या? उनके पेपर उनके घर भेज दूंगा जो छुपा था, किस नेता ने घोटाला किया, तुम्हारे आकाओं ने घोटाला किया, तो कान में तेल डाल के सो रहे, तुम हम कान में तेल डाल के थोड़ी सोते, आग जागृत आगों से जमाने में देखते हैं, वो भ्रष्टाचार होता है उसको उजागर करते हैं। बीजेपी के राज में करोड़ों करोड़ रुपए का स्प्रिंकलर घोटाला हुआ, जिसकी जाँच आज भी चल रही है। भैया जिस तरह वो कह गए कि ये राजनीति का मंच नहीं था, जिस मंच पे राजनीति कर रहे थे वो गलत है। कहाँ राजनीति हुई, हमने तो अधिकारी को निर्देश दिया कि पिछली सरकार में जो हुआ है स्प्रिंकलर घोटाला आप लोग मत करना, इनको ईमानदारी से इनके हक का है वो किसानों को दे देना, इसमें क्या राजनीति हो गई, क्या मंच हो गया, किसानों के लिए भलाई का बात बोलना क्या राजनीति हो गई? सर क्या वजह आप बीच कार्यक्रम में छोड़ के जा रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप ये शासन का कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में मेरा प्रोटोकॉल बनता था कि मुझे आना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार की बात यहाँ पे केंद्रीय मंत्री श्री सज्जन सिंह जी वर्मा कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरे कार्यक्रम को कांग्रेस का कार्यक्रम बना दिया है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, निराधार आरोप लगा रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। इस प्रकार के कार्यक्रम की गरिमा को रखना चाहिए और इस कार्यक्रम के प्रोटोकॉल को मेंटेन करना चाहिए। अभी केंद्रीय मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा जी को यह भी नहीं मालूम है शायद कि इस मंच पे किस प्रकार का भाषण देना चाहिए था। यह कांग्रेस भाजपा का कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता का और राज्य सरकार का कार्यक्रम था, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में आया था और मैं इस कार्यक्रम से जा रहा हूँ। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।